बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड टीम कब पाकिस्तान पहुंच रही है, पहला मैच कब खेला जाएगा, तमाम तर अपडेट मिलेंगी। सबसे पहले स्क्वाड देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान टीम के फैन हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्वाड में नंबर 1 सैम अयूब, नंबर 2 कैप्टन बन चुके हैं बाबर आजम के। अगर आप फैन हैं, वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर लेना है। नंबर 3 फखर जमान, नंबर 4 की बात करें यहाँ पर मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। नंबर 5 पर नाम आता है शानदार उस्मान खान का, जो कि यूएई को छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान टीम को दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। नंबर 6 आजम खान। नंबर 7 की बात करें यहाँ पर इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। नंबर 8 पर नाम आता है शानदार इमाद वसीम का, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट वापस ली है। नंबर 9 शादाब खान ऑलराउंडर। नंबर 10 की बात करें यहाँ पर मौजूद हैं आगा सलेमान, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग के साथ। नंबर 11 आमर जमाल ऑलराउंडर। नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर शानदार अब्दुल्ला शफीक का नाम आता है। नंबर 13 की बात करें यहाँ पर फास्ट बॉलर शहीन अफरीदी, T20 के साबिक कैप्टन पाकिस्तान टीम के। नंबर 14 मोहम्मद आमर की वापसी, अगर आप आमर के फैन हैं कमेंट बॉक्स में वेलकम आमर टाइप करें। नंबर 15 नसीम शाह, इन स्विंग आउट स्विंग के मास्टर। नंबर 16 यहाँ पर हसन अली मौजूद हैं। नंबर 17 की बात करें यहाँ पर उसामा मीर का नाम आता है। नंबर 18 की बात करें यहाँ पर शानदार हारिस राव, पाकिस्तान के स्पीड स्टार का नाम आता है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड टीम की, न्यूजीलैंड टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुँच जाएगी। पहला मुकाबला जो होगा वो 18 अप्रैल रात 7 बजे शुरू होगा, दूसरा मुकाबला 20, तीसरा 21 अप्रैल, चौथा मुकाबला 25 अप्रैल, पांचवा और आखिरी मुकाबला 27 अप्रैल को खेला जाएगा। तमाम मैचेस यहां पर भी बराह रास्त दिखाए जाएंगे। वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मज़ीद कौन सी तब्दीलियाँ करनी चाहिए ये भी आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।